यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज बात करेंगे जल विवाद की। हरियाणा और दिल्ली जल विवाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। पानी दिलवाने का आग्रह पीएम से किया गया है। खत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा से दिल्ली को पिछले 22 सालों से बिना किसी रुकावट के पानी दिया जा रहा था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद भी पानी आपूर्ति की कमी है जो नहीं होनी चाहिए थी। साथ ही खत में यह भी कहा गया कि दिल्ली देश की राजधानी है, रेलवे, हवाई अड्डे और दूतावास, संसद, साथ ही राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट जैसे बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनका बहुत राष्ट्रीय महत्व भी है और रोजाना दुनिया के कोने कोने से लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आते हैं। उनके सामने पानी की कमी राजधानी की नकारात्मक छवि को पेश करेगी। तो जल विवाद है ये, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली जल बोर्ड की ओर से याचिका लगाई गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले को अदालत से बाहर सुलझाया जाए। हरियाणा सरकार को 21 मई तक स्टेटस भी बरकरार वही रखना है, जो यथास्थिति है उसको कायम रखना है। लेकिन दिल्ली के सीएम को लगता है कि 21 मई बहुत करीब है, उसके बाद जितनी समस्या होगी उसको लेकर चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि जो विषय है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ा है। वहां की पब्लिक के साथ साथ जितने भी लोग आते हैं राष्ट्रीय राजधानी में, उनके सामने पीने के पानी की समस्या पेश आ सकती है। चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ। हरियाणा बीजेपी से हमारे साथ बीवी सिंगल जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। इनेलो से रविंद्र ढोल साहब हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के नेता योगेश्वर शर्मा हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप कोटला साहब हमारे साथ इस चर्चा में हैं। बहुत स्वागत है सभी का। बीजेपी से शुरुआत करेंगे। सिंगल साहब, ऐसा क्यों होता है कि 22 साल से जो दिक्कत परेशानी नहीं है वो अभी आई? ज्योति जी, जो 22 साल से जो पानी जा रहा है, अलग अलग समय पे कोर्ट के अंदर अलग अलग रिट पिटीशंस लगती रही, जो रिट कोर्ट के आदेश के मुताबिक लगातार दिल्ली को पानी हरियाणा के द्वारा दिया जा रहा है। हरियाणा की तरफ से पानी जितना कोर्ट का आदेश है, लगभग 720 क्यूसिक डेली पानी वहां दिया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये आ रही है दिल्ली के अंदर, दिल्ली ने पिछले दिनों 3 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं, द्वारका, भुवाना और ओखला के अंदर, जिसके लिए पानी की व्यवस्था दिल्ली को अपने स्तर पर करनी थी, पर दिल्ली ने पानी की व्यवस्था अपने स्तर पर ना करके जो हमारी कैरियर है पानी का, जैसे हरियाणा का जा रहा है, उससे ही इलीगल अपलिफ्टिंग कर रहा है दिल्ली पानी की। और जिसके चलते जो इनके वजीरपुर, हैदरपुर और नंगलोई के जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनके अंदर पानी का लेवल मेंटेन नहीं हो रहा। हरियाणा की तरफ से पूरा पानी दिया जा रहा है और कोर्ट के आदेश के मुताबिक हम कहते हैं कि 1133 क्यूसिक पानी दिया जाना था, जो कि नहीं दिया जा रहा, जिसमें रुकावट है। ज्योति जी, जो मेरे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक, कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक 719 क्यूसिक पानी की सप्लाई दिल्ली को की जानी थी। हालांकि इसके मतलब इसके ऊपर कोई 250-300 क्यूसिक पानी हरियाणा की तरफ से एक्स्ट्रा वैसे ही दिया जा रहा है दिल्ली को। हालांकि हम समझते हैं दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, पानी की डिमांड बढ़ रही है, दिल्ली को अपनी सोर्सेज क्रिएट करने हैं। दिल्ली वो सोर्सेज ना क्रिएट करके पीएम को पत्र लिखना, ये समझ से परे है। और हरियाणा का जहाँ तक तल्लक है, हरियाणा अपना पानी, हालांकि हरियाणा को SYL का पानी नहीं मिल पा रहा विभिन्न पंजाब का कॉपरेशन ना मिलने के कारण, इसके बावजूद हरियाणा जो है SYL बनाने के अंदर, SYL बनाने के अंदर पंजाब ने बनानी थी, पंजाब करते हैं, पंजाब तो साफ इनकार कर चुका है, तो उसी वजह से अदालत से भी फैसला आ चुका है, उसका एग्जीक्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ है। हालांकि हमें, मैं ये बात अभी इस मुद्दे पे ये कह रहा था, SYL का पानी ना मिलने के बावजूद भी कोर्ट के आदेश अनुसार जितना पानी हरियाणा ने दिल्ली को देना है हम पानी दे रहे हैं, और उसके अंदर कोई समस्या नहीं, उससे ज्यादा ही दिल्ली को पानी दे रहे हैं। पानी की शॉर्टेज है, दिल्ली को अपनी व्यवस्था अपने आप करनी है। रविंद्र ढोल साहब, इनेलो का क्या पक्ष है इस मामले में? देखिए, सीधी स्पष्ट बात है कि हरियाणा सरकार की ड्यूटी है कि हरियाणा के अंदर जो पानी है, हरियाणा के इंटरेस्ट का जितना भी है, यमुना का जो जा रहा है वहां पर, उसे प्रोटेक्ट करे, पहली बात। और दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि जो आपके ईस्टर्न यमुना का जो है चैनल हो, चाहे आपका वेस्टर्न हो, कहीं ना कहीं वहाँ पर पानी को लेकर के अनियमितताएं बहुत प्रकार की हैं। जिस प्रकार उत्तराखंड है, उत्तराखंड के पास में अक्सर ज़्यादा पानी रहता है, लेकिन उत्तराखंड को, क्योंकि हरियाणा वहाँ से पानी नहीं ले पाता है कहीं ना कहीं, तो वो जो है दूसरी जगह पर भेजते हैं। तो हमारे लिए आवश्यक ये है कि जो पानी का आपका डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है उसे, क्योंकि आपके पास में आपके खुद के नेचुरल कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, तो उत्तराखंड से जो आप पानी ले रहे हैं, यमुना का पानी आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसे आप जो है
प्रॉपर व्यवस्था के साथ में यहाँ पर लेकर के आए और उसके बाद में दिल्ली का जो शेयर है वो जाए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हरियाणा का जो पानी है, हिस्से का जो सिस्टम है आपका, इसे बरकरार रखना हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है स्पष्ट रूप से। जहाँ तक बात दिल्ली सरकार की है, तो दिल्ली सरकार को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को मेरे हिसाब से तो चिट्ठी लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। इनकी जो इनकी ड्यूटी बनती थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करते और बात करके इसे समाप्त कर लेते इस इशू को, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या। हरियाणा के सीएम को भी चिट्ठी लिखी गई। जी चिट्ठी लिख रहे हैं ना, बात तो नहीं कर रहे हैं, समस्या ये है कि ये चिट्ठी लिख करके भूल जाते हैं। इन्हें चाहिए कि जाकर के बात करें उससे, इन्हें चाहिए कि यदि सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चल रहा है, इन्हें चाहिए कि वहां जाकर के बात करें। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके निकालेंगे क्या, ये कुछ भी नहीं निकाल सकते। योगेश्वर शर्मा जी, क्या ये चिट्ठी चिट्ठी का खेल खेला जा रहा है कि जवाबदेही जो हो वो हरियाणा की हो या फिर पीएम की हो या फिर दिल्ली की एलजी की हो, सीएम चिट्ठी लिखते रखेंगे? देखिए, दिल्ली में पहले तो पूर्ण राज्य की सरकार ही नहीं है, हमें रोज परेशान किया जा रहा है और एक नया माध्यम ढूंढ लिया है अब कि पानी को रोक दिया जाए। जो दिल्ली के लोग पानी का, फ्री पानी का सुख भोग रहे थे, वो सेंटर से और बीजेपी सर से बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसको रोकने के लिए एक नई चाल चली जा रही है ये कि दिल्ली का पानी रोक दिया जाए, ताकि दिल्ली की सरकार जो फ्री पानी देने की व्यवस्था जो दिल्ली में कर रही है, जो 3 सालों से देती आ रही है, उसमें रुकावट पैदा की जाए और लोगों को परेशान किया जाए। लेकिन मेरा ये सवाल है केंद्र सरकार से, दिल्ली भारत का ही अंश है, वहां पे भी भारतीय ही रहते हैं, क्या अब हम पानी के विवाद पे भी आपस में लड़ते रहेंगे? मतलब देश के प्रधानमंत्री और बाकी स्टेट्स में पानी के विवाद पे ही लड़ाई होती रहेगी, कभी SYL, कभी यमुना का पानी, कभी कहीं का पानी, मतलब ये एक मतलब मेनली प्रधानमंत्री। आम आदमी पार्टी को पानी के विवाद से कब परेशानी हुई? SYL को लेकर तो दिल्ली के मुखिया भी बोलते हैं पंजाब चुनाव से पहले। बिल्कुल बोलते आए हैं कि हर एक का जो अधिकार है वो मिलना ही चाहिए, वो किसी का भी हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे दिल्ली का हो, ये जनता का अधिकार है, ना कि कोई स्टेट का। स्टेट ने नहीं पानी भोगना, भारतीयों ने पानी का इस्तेमाल करना है, हम सब भारतीय हैं और भारतीयों की आवश्यकता है पानी का इस्तेमाल करना, तो देश के प्रधानमंत्री का ये फर्ज बनता है कि वो पानी की आपूर्ति हर जगह की जाए। हाँ, सवाल ये है जो कि ढोल साहब ने भी कहा कि अदालत में ही आवाज उठाते थोड़ी और बुलंद करके, अभी पीएम को पत्र लिख रहे हैं, एलजी को पत्र लिख रहे हैं, सीएम को पत्र लिख रहे हैं, बैठकर बातचीत की जाए एक तरीके से, या फिर मीडिया में ये हवा ये फैला कर रखा जाए कि हम चिट्ठियां लिख रहे हैं, हम जवाब मांग रहे हैं, हमें जवाब नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल भी नहीं है, रेगुलर इंटरेक्शन हो रहा है हरियाणा गवर्नमेंट के साथ भी और सेंटर के साथ भी, लेकिन जब कोई वहां से रिप्लाई नहीं आता और फालतू के ऑब्जेक्शन लगा के उस चिट्ठी को वापस भेज दिया जाता है, तब हमें ये कदम उठाना पड़ा अब, और हार के पीएम को ही लिखना पड़ा कि आप इसका जवाब दीजिए, आप इस पे इंटरफेयर करिए, क्योंकि दिल्ली हरियाणा का अंश खाली नहीं है, पंजाब हरियाणा और सेंटर का भी उतना ही अधिकार है दिल्ली पे जितना कि बाकियों का है। मतलब हम भी उनको, हमारे हरियाणा से भी लोग जाते हैं, पंजाब से भी लोग जाते हैं और पूरे हिंदुस्तान से लोग वहां पहुंचते हैं, तो उनको परेशानी तो भोगनी पड़ेगी अल्टीमेटली, और पूरे हमारी लेजिस्लेशन वहां है, पूरी हमारी सारे MPs MLAs वहां रहते हैं, तो सबको परेशानी तो सबको ही होगी उसकी, तो इसीलिए ये पत्र लिखा गया है और उनको कहा गया कि आप इंटरफेयर करिए जब हमें कोई जवाब ही नहीं मिला। ठीक है, कोटला साहब, कानूनी पक्ष क्या है इस पूरे मामले का, विवाद का? सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को जो इन्होंने पिटीशन वगैरह फाइल की थी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मना कर दिया इसमें इंटरफेयर करने से। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीफ सेक्रेटरीज को, दिल्ली के भी और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरीज को बुला के कह दिया भी आपसी मामले, आपसी सहमति से इस मामले को सुलझाया जाए, तो उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगा। इनको चिट्ठी लिखने की बजाय बातचीत करनी चाहिए थी, या तो चीफ मिनिस्टर से बात करते ही। बातचीत की गई है सर, अभी पहले भी जब आए थे बातचीत नहीं, ये पार्टी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मुद्दा भी उठाया गया था जब उन्होंने हरियाणा के खट्टर साहब से मुलाकात की थी चंडीगढ़ आके, तब भी ये मुद्दा उठाया गया था, इसको डिस्कस किया गया था और कहा गया था कि जो चीज 22 साल से चली आ रही है कि अभी हरियाणा सरकार जागी है, 22 साल से भी पानी की आपूर्ति हो रही थी, अब किसने रोकी जा रही है? ज्योति जी, अब मेनली अब ये कदम इसलिए उठाया गया था ज्योति जी, पानी तो नहीं मिल रहा, परेशान किया जा सके उनको, रोका उनकी जो सफलता जो हासिल कर रहे हैं वो दिल्ली में, उसको रोका जा सके। ज्योति सिंगल साहब, ये देखिए राजनीति की नजर आती है, जो बीजेपी पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रखी है, उन आरोपों में साफ सियासत भी दिखती है। अगर आप लोग मंशा के साथ रोक रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को परेशान किया जाए, दिल्ली सरकार को परेशान किया जाए, तो ये राजनीति है फिर। ज्योति जी, ये आप पार्टी की कोरी राजनीति है। पहली बात तो ये है, जो पिछले कई सालों से जो पानी दिल्ली को मिल रहा है, आज भी हरियाणा सरकार दे रही है और आगे भी दे रही है। एक मिनट योगेश्वर जी, मुझे बात अपनी करने दीजिए। जितना पानी कोर्ट के निर्देश हैं उसके द्वारा लगातार पिछले कई सालों से दिया जा रहा है,
वो पानी आज भी जा रहा है और आगे के लिए भी हरियाणा सरकार के द्वारा उसके ऊपर कोई भी कभी टिप्पणी नहीं की गई। दूसरी जो चीज है, दूसरी जो मुझे ज्योति बावजूद भी पानी नहीं दिया जा रहा, फिर हरियाणा सरकार ठोस जवाब क्यों नहीं देती इस बात का? मुख्यमंत्री आरोप लगा देते हैं कि पानी की आपूर्ति को रोका जा रहा है, दिल्ली सरकार को परेशान किए जाने की कोशिशें हैं, मनोहर सरकार उस पर जवाब दे। ज्योति जी, मैंने जैसे पहले में कहा, दिल्ली के अंदर जितना पानी हरियाणा के द्वारा दिया जा रहा है माननीय कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, उससे पूर्ति नहीं हो रही है, हमें समझ आ रहा है, वहां डिमांड बढ़ रही है, इनको अपने सोर्सेज और जनरेट करने हैं जो कि जनरेट नहीं कर पा रहे। जहां तक केजरीवाल जी का तल्लक है, उसको भी रोका गया। योगेश्वर जी, बात अपनी आपने रख ली है, मुझे अपनी बात करने दीजिए। आप कोई बात नहीं, आपको समय मिलेगा, आप ठीक कर दीजिएगा, आपको योगेश्वर जी समय मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा। दूसरी बात, जो ये बात कर रहे थे पानी पे विवाद नहीं होना चाहिए, अभी पिछले दिनों ही देखा है पंजाब इलेक्शन के समय पे इनके नेता केजरीवाल जी का पंजाब में क्या स्टैंड था, हरियाणा में आके क्या स्टैंड हुआ, दिल्ली में क्या स्टैंड रहा है, तो ये तो गंगा के गंगाराम, यमुना के यमुनाराम, इनका तो जग जाहिर है। और ज्योति जी, तीसरी बात, पंजाब के पास अतिरिक्त पानी की एक बूंद भी नहीं है हरियाणा को देने के लिए, अब हरियाणा पर आरोप ये है कि दिल्ली को पानी नहीं दिया जा रहा। तीसरी बात जो ज्योति जी, इसमें बड़ा मुख्य बिंदु है, मैंने जैसे पहले बताया, इन्होंने 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए हैं हरियाणा के द्वारा, बार बार इनको पॉइंट आउट किया गया है, आप इल्लीगल अपलिफ्टिंग कर रहे हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से एक मिनट योगेश्वर जी, एक मिनट, बनाए क्यों गए हैं? इवन अपर यमुना, अपर यमुना रिवर बोर्ड की तरफ से भी मौके का मुआयना करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है, दिल्ली सरकार जो है 3 जगह से इल्लीगल पानी को अपलिफ्ट कर रही है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। हरियाणा अपना जो कमिटेड पानी है, जो कोर्ट का निर्देश के मुताबिक का पानी दे रहा है, हरियाणा की तरफ से उतने पानी के लिए कभी भी कोई ना दिक्कत थी, ना आगे आने वाले समय में कोई परेशानी आने वाली है। अगर उतना ही पानी दिया जा रहा होता तो आज ये इशू बनता ही ना। आप मुझे बताइए योगेश्वर जी, पानी कितना मिल रहा है? योगेश्वर जी, आप मुझे आंकड़ों में बताइए, आपको दिल्ली में पानी कितना मिल रहा है हरियाणा से, आप मुझे बताइए तो सही ना, खाली कोरी राजनीति करने से बात नहीं बनेगी। आप मुझे आंकड़ा दीजिए, आपको आज कितना पानी चल रहा है, कोर्ट के क्या निर्देश है और आपको कितना पानी मिल रहा है? निर्देशों के बाद भी कितना कोर्ट ने, कितना नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। कोर्ट ने कितना निर्देश दिया था हरियाणा को पानी देने के लिए और हरियाणा कितना पानी दे रहा है, मुझे ये बताइए। रविंद्र डोल साहब, क्या हरियाणा सरकार की ओर से पानी में कटौती की गई, आरोपों में कितना दम है? देखिए, इसके बारे में बड़ा स्पष्ट रूप से मैं बताऊं कि इनकी तरफ से ही पढ़ने को आ रहा है कि कटौती की गई किसी प्रकार की, लेकिन मैं आपको एक बता दूं, एक जो टेंडेंसी रहती है रूटीन की, जब बारिश आती है, खास करके बारिश के सीजन में होता क्या है कि यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा आता है, तो दिल्ली को जो है ना उसके हिसाब से आपूर्ति बढ़ जाती है, और बिना बारिश के दिल्ली को जो आपूर्ति है वो ऑटोमेटिकली घटती आ रही है, वो आज से नहीं चला आ रहा है, वो दशकों से चला आ रहा है। लेकिन इस चीज को ये कहना कि जानबूझ करके सरकार के द्वारा ऐसा कोई कदम उठाया गया, मुझे लगता नहीं कि आज तक हरियाणा की कोई भी ऐसी सरकार आई है जिसने किसी भी प्रकार से दिल्ली का पानी कम से कम रोकने की कोशिश की है। हाँ, लेकिन हरियाणा अपने हक का पानी अगर अपने पास में इस्तेमाल करे तो उससे दिल्ली सरकार को कतई भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यदि वे आपत्ति दिखाते हैं तो वो उनकी गलती है। शर्मा जी, आप जवाब दीजिए, अगर गर्मी है, पानी की किल्लत है, पानी अतिरिक्त नहीं है और जितना भी पानी पहले दिया जा रहा था वो पानी दिया जा रहा है, तो उसमें ये आरोप लगाना कि हरियाणा सरकार अब पानी में कटौती कर रखी है, मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद आपूर्ति नहीं की गई। देखिए, सबसे पहली बात तो दिल्ली के पास अपने रिसोर्सेज तो है नहीं पानी के, हमें आस पड़ोस के स्टेट्स पे ही निर्भर होना पड़ रहा है कि हमें पानी की आपूर्ति की जाए। और जो चीज़ें 22 साल से चली आ रही हैं, 22 साल से जब ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो आज क्यों ये मुद्दा उठा है, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने कहा गया था, है ही नहीं योगेश्वर, जितना है उतना दिया जा रहा है। आप अगला पेश कीजिए ना, मुझे कोई राजनीतिक मजबूरी लग रही है जिस वजह से चिट्ठी लिखी गई है, मुद्दा तो है ही नहीं। जितना पानी पहले दिया जा रहा था उतना पानी आज दिया जा रहा है, कटौती की गई, उसका आंकड़ा पेश कीजिए ना, आंकड़ा दीजिए ना। एग्जैक्ट आंकड़े मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं एग्जैक्टली अभी मुझे कॉल किया गया और आई जस्ट केम स्ट्रेट वे, तो मुझे आंकड़े लेने में उस टाइम लगना था, तो आई वुडंट गेट थ्रू दैट, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुद्दा पिछली बार भी जब केजरीवाल जी आए थे खट्टर साहब से मिलने, तब भी इस इशू को उठाया गया था और ये डिस्कस किया गया था, एंड ही प्रॉमिस दैट कि चलो वो इट विल बी लुक आफ्टर, बट लेकिन वो नहीं हुआ। मेरे पास आंकड़े हैं, मुझे समय दीजिए, मैं आंकड़े देता हूं, नहीं हुई अभी तक, और अभी दोबारा इसलिए पत्र लिखा गया प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री जवाब देना उसमें कि नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि हरियाणा से पूरी आपूर्ति आ रही है तो सीएम जवाब दें उस बात का कि हमारी पूरी आपूर्ति दी जाएगी, और प्रधानमंत्री भी जवाब दें उस बात पे कि हाँ नहीं पानी रोका जाएगा बिल्कुल भी। अगर ये कह रहे हैं, अगर पानी रोका ही नहीं गया है और गेंद जो है मनोहर सरकार के हरियाणा सरकार के पाले में है, जवाब क्यों ना दिया जाए? जवाब क्यों नहीं दे रहे? साफ है ज्योति जी, पूरी राजनीति का क्या जवाब दे? कोई अगर
कोई मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास उसका जवाब नहीं दिया जाए। मैं आंकड़ों के तौर पे बताना चाह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि हमारे पास ही पानी पूरा नहीं है। एक मिनट, कोर्ट के निर्देश के अनुसार 719 क्यूसिक्स पानी दिल्ली को दिया जाना था, इसकी बजाय हरियाणा जो है 1,049 से लेकर 1,300 क्यूसिक्स पानी डेली दिल्ली को सप्लाई कर रहा है, यानी कि जितना निर्देश माननीय न्यायालय का था उससे 300 से 500 क्यूसिक्स पानी एक्स्ट्रा दिल्ली को पहले से हरियाणा दे रहा है। अब इनकी आपूर्ति हो रही है नहीं हो रही है एक अलग विषय है, हरियाणा जितना दे सकता था उतना दे रहा है और भाखड़ा मेन लाइन की जो ऑप्टिमम कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज करने के बाद बीबीएमबी का जो पानी, इससे ज्यादा उसमें पानी भी नहीं आ सकता क्योंकि एसवाईएल बने या हांसी बुटाना से पानी आए पंजाब की तरफ से तो फर्दर कोई बात आगे बन सकती है। इस समय हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भाखड़ा मेन लाइन की करके दिल्ली को कोर्ट के निर्देश के मुताबिक उससे निर्देशों से ज्यादा पानी दे रहे हैं। अब ये तो कोई राय नहीं दी है प्रधानमंत्री को, ना तो दिया ही जा रहा है जो कि बीजेपी का पक्ष है, बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए सिर्फ कागजी कार्रवाई और एक्चुअल में बहुत फर्क है, दिल्ली पानी से परेशान है। आपको तैयारी से आना चाहिए था, पूरी राजनीति करने के लिए स्टूडियो में ना बैठिए, जनता को गुमराह ना करिए। जो आंकड़े हैं, जो पानी आपको दिया जा रहा है आप उससे भी साफ मना कर रहे हैं। आप मतलब तैयारी के बिना आए, सिर्फ राजनीति आप पार्टी का धर्म है, आप पूरी राजनीति कर रहे हैं। पाकिस्तान को पानी जो जा रहा है उस पर भी प्रधानमंत्री का बयान था कि हम उनको रोकेंगे उस पानी को और उस पानी की सही यूटिलाइजेशन की जाएगी, उसको डाइवर्ट किया जाएगा पंजाब की तरफ और हरियाणा की तरफ, लेकिन वो भी नहीं किया गया। कोई रिसोर्सेज जब आप पैदा ही नहीं कर रहे हैं, जहां आपकी सरकारें हैं वहां आप रिसोर्सेज पैदा नहीं कर सकते हैं। और दिल्ली को कहते हैं आप रिसोर्सेज पैदा कीजिए, बड़ी हैरानी की बात है, दिल्ली कहां से रिसोर्सेज पैदा करेगी जब उसके पास अपने है ही नहीं नेचुरल रिसोर्सेज। जहां नेचुरल रिसोर्सेज है उसको तो आप रोक नहीं रहे हैं, पाकिस्तान को पानी भेज रहे हैं पूरा। और आपने कहा था कि हम पाकिस्तान को पानी रोकेंगे, जब युद्ध छिड़ा था, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो ये बोला गया प्रधानमंत्री ने कि वहां पे पानी रोक दिया जाएगा, लेकिन उस पर भी कोई वो नहीं हुआ विवाद, उस पर कोई डैम क्रिएट नहीं हुआ आज तक, कुछ उस पानी की सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, हमें पानी मिल नहीं रहा है। इतना कहना आसान है उतना करना आसान नहीं है, बोलना तो सबको आ जाता है। रिसोर्सेज करिए, हमने सिर्फ हरियाणा की हार्वेस्टिंग प्लांट पाकिस्तान को भी बीच में ले आएंगे, फिर आप पीएम ने क्या कहा वो भी आप बीच में ले आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, दिल्ली ने फिर भी 3-3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू करे हैं, वहां बनाए हैं, लेकिन वो ही इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो ट्रीटमेंट प्लांट अगर बन जाएंगे तो पानी पूरा मिलेगा। आप लोगों की आपूर्ति कैसे करता रखे? नहीं, हरियाणा तभी तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है ना, प्रधानमंत्री को चिट्ठी इसलिए लिखी है कि आप नेसेसरी बीइंग द हेड ऑफ द कंट्री, इट्स योर ड्यूटी टू गेट द मिनिमम थिंग्स टू द एवरीवन, जो देश के नागरिकों को वो चीजें मिले, पानी की आपूर्ति हो हर स्टेट को हो, हम ये नहीं कहते दिल्ली को हो, पंजाब को भी होनी चाहिए, हरियाणा को भी होनी चाहिए। जहां जहां पानी की किल्लत है, जहां जहां देश की जनता पानी से ग्रस्त है, उनको पानी मिलना ही चाहिए हर हालत में। और ये देश के प्रधान की आवश्यकता है, ड्यूटीज है, उनकी दायित्व बनता है कि वो सब जगह पानी पहुंचाए। ज्योति जी, हालांकि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोरी जैसे कहते हैं राजनीति और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप नहीं है। आप बताइए हरियाणा के पास पानी सारे दिल्ली को पानी मिले, बताइए हरियाणा भी तो चिल्लाता रहा है कि हमें पानी दिया जाए, पंजाब भी बोलता रहा है बात रखने दीजिए, या हम चुप कर जाएं, आप ही आधा घंटा घंटा बोलेंगे, आपने बात पहली, मुझे बात तो करने दीजिए, आपने विस्तार से जवाब दिया, अभी मुझे बात तो रखने दीजिए। बिल्कुल, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने आपके पार्ट केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लगाए हैं, जब ये पानी की पहले ही दिक्कत है तो क्या सोच के लगाएं, पहला तो प्रश्न ये है। दूसरी बात, हालांकि हरियाणा के अंदर भी पानी की दिक्कत है, हमारी सरकार ने पिछले 3.5 साल के अंदर, काम करने की बात योगेश्वर जी बता रहा हूँ, 218 टेल ऐसी थी जिनमें पिछले 25 साल में पानी नहीं पहुँचा, अब सिर्फ 7 टेल रह गई हैं, हमने सारी टेल तक जिनमें 25-25 साल तक पानी नहीं पहुँचा, 3.5 साल के अंदर। पानी की दिक्कत हरियाणा में भी है पर हमारी वाटर मैनेजमेंट, हमने उन टेलों तक पानी पहुँचाया है। आप सिर्फ पूरी राजनीति और सिर्फ पूरी राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में आप पूरे 70 सालों में फ्री पानी नहीं मिला, हम दे रहे हैं जहां जहां पाइपलाइन नहीं थी, 7,000 कॉलोनियों तक हमने पाइपलाइन पहुंचाई और पानी भी पहुंचाया और वो भी फ्री। फिर आप कहते हैं हम काम नहीं कर रहे, पानी दिल्ली में जितना काम हो रहा है उतना तो शायद पूरे देश में भी नहीं हो रहा। पानी की सप्लाई सबसे ज्यादा लोगों से, जहां 7 साल में पानी नहीं मिला वहां पहुंचाया है, हमें कोई तकलीफ नहीं। आप दिल्ली की जनता की सेवा करिए, अपनी जो मुद्दों पे आप सरकार बनी आप करिए, पर हरियाणा पे बिना मतलब से आरोप, बिना बेबुनियाद आरोप लगाने ये गलत है। आपको जितना पानी बनता है, जितना पानी बनता है हरियाणा की तरफ से, जितना हरियाणा की तरफ से पानी बनता है उससे ज्यादा पानी आपको दिया जा रहा है। आप मुझे आंकड़ों में बताइए ना, आप मुझे बताइए कहां पानी नहीं मिल रहा। आपकी बात से कोई सहमत हो, आपकी बात से हम तो पानी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं हम तो, जितना कोर्ट का आदेश है इस बात में, हम तो आगे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की तरफ से आज स्टूडियो में बैठा हूँ, बैठ के आपको जवाब दे रहा हूँ, जितना कोर्ट ने आदेश दिया उससे ज्यादा पानी हम दे रहे हैं, बाकी आप अपने जो अपनी व्यवस्था है आप अपने दिल्ली के नाते आप कीजिए। रविंद्र ढोल साहब,
ये अपर यमुना रिवर बोर्ड की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि प्रबंधन ढंग से किया जाए। मामला अदालत में भी जाता है, अदालत भी फटकार लगा देती है, उसके बाद भी ये चिट्ठी खेला जा रहा है पूरी राजनीति मामले में। देखिए, ये यमुना वाला नहीं, आपके भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड भी, बीबीएनबी, जिस प्रकार की बोर्ड बनाए गए इंटर स्टेट बोर्ड है, बहुत ज्यादा हरियाणा पंजाब का है, हरियाणा दिल्ली का है, ऐसे इस तरह के बोर्ड जो है कहीं ना कहीं इनके प्रबंधन में बहुत सारी दिक्कतें आज से नहीं, बड़े लंबे समय से चलती आ रही हैं। अब आप एक बात को देखिए, जैसे पहले भी हमारे यहाँ पर डिबेट हुई है कि जो आपकी भाखड़ा से जो हरियाणा को पानी मिलता है वहां पर भी बीच में डिस्ट्रप्शन है। हरियाणा को जो पानी 30% जो है आपका पंजाब के एरिया में रह जाता है जो हरियाणा के अंदर पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक एरिया ब्लॉक किया हुआ है। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं और इन बॉडीज की जिम्मेदारी है कि इसे इनको करेक्ट रखे, और यदि कोई दिक्कत आती है तो इन्हें अपनी अपनी सरकारों के पास में रखना चाहिए। इस प्रकार की बात करना, जो जिस प्रकार के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना, मेरे हिसाब से मैं इस बात को जानकर के बड़ी खुशी होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल जी ने कभी इस बोर्ड को भी कुछ कहा है कि आपकी जिम्मेदारी है कि जो हमारा जो पानी का शेयर है वो शेयर आपका प्रॉपर हमारे पास में पहुंचाइए। क्या इन्होंने बोर्ड को भी कहा है या प्रधानमंत्री तक ही घूम करके रह गए? बोर्ड को भी कहा गया है सर, बोर्ड को भी रेगुलरली 3 साल से चिट्ठी लिखी जा रही है। पानी अदालत ये कहती है कि आप बोर्ड के पास जाइए, पानी का विवाद का निपटान वहां से होगा। आपके सीएम क्या करते हैं? वो पीएम को चिट्ठी लिखते हैं क्या? अदालत पहले वो कार्रवाई की जा चुकी है मैम, उसको कई बार हमने आगे पहुंचाया है, यमुना बोर्ड से भी कर बात इलीगल पानी की अपलिफ्टिंग कर रही है जो कि पहले अदालतों के निर्देशों के अनुसार नहीं है, उनकी वायलेशन है, इसको ठीक किया जाना है। दिल्ली सरकार उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं करी, लगातार इलीगल अपलिफ्टिंग जो कैरियर बनाया हुआ है हरियाणा टू दिल्ली के लिए, उससे पानी की लिफ्टिंग करती जा रही है। हालांकि शेयर हरियाणा की तरफ से जितना तय है उससे ज्यादा दिया जा रहा है, पर दिल्ली के द्वारा ऑलरेडी इलीगल लिफ्टिंग पानी की हो रही है। अब उसके लिए इनको समाधान अपने आप ढूंढ रहा है, दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ना या पीएम साहब को चिट्ठी लिखना या हरियाणा को चिट्ठी लिखना, हरियाणा से जितना पानी चाहिए योगेश्वर जी उससे ज्यादा पानी मैं बार बार कह रहा हूँ आपको दिया जा रहा है, आपको समाधान दिल्ली के लिए अपने तौर पर ढूंढना पड़ेगा, आराम से बैठ के समझना पड़ेगा। बिना उसके अब इतना समय होने के बाद आपके पास समाधान नहीं, आप चिट्ठियां लिख के राजनीति कर रहे हैं। कोरियर देखिए, रिसाइकलिंग प्लांट इसीलिए लगाए गए ताकि पानी को रिसाइकल करके उसको ट्रीटमेंट करके आगे किया जाए, उनको भी किया जा रहा है, तभी किए गए हैं। जो हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज हाउ कैन यू से कि हम अपने आप क्रिएट करें पानी को, कहां से क्रिएट करेंगे? आएगा तो पंजाब हरियाणा और यूपी से ही पानी। और जब आपको ढंग से पूरा बड़ा अंतर है, सुनिए, आप लोग जितना कर सकते हैं रिसोर्सेज के लिए उतना कर रखे हैं, आपने ये कहा, लेकिन अतिरिक्त पानी की जरूरत होगी तो भी हरियाणा और पंजाब से ही आएगा, ये आपने कहा। और ये आरोप लगाना कि पानी कम दिया जा रहा है, क्या इसमें फर्क नहीं है, अंतर नहीं इसमें? इस आरोप में आप लोगों को अतिरिक्त जरूरत है, ये अलग फैक्टर हो सकता है, लेकिन जितना तय आंकड़ा है उससे कम पानी दिया जा रहा है, क्या इसमें अंतर नहीं है? एक्चुअली तय आंकड़े से भी कम पानी आ रहा है, ये बिल्कुल दिल्ली में पहुंच ही नहीं रहा है। योगेश्वर जी के पास इसकी जानकारी है ना आंकड़ा है, सिर्फ बेबुनियाद आरोप है, बेबुनियाद आरोप नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद आरोप। मैं योगेश्वर जी बिल्कुल सरकार के आंकड़े, ताजा आंकड़े लेके आपके पास बैठा हूँ, इस समय चैनल पे बैठा हूँ, आपके पास आंकड़े नहीं है। पानी उतना दिया जा रहा है, जैसे अभी ज्योति जी ने भी बात की, आपने भी कही आपको पानी की अतिरिक्त जरूरत है, उसके लिए चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, पर ये आरोप लगाना अभी हरियाणा पानी नहीं दे रहा या पानी तय से कम दे रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ये निंदनीय है आपके द्वारा, ये पूरी राजनीति। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है अपनी चिट्ठी में कि हरियाणा पानी पूरा नहीं दे रहा, तो इट मीन्स इट्स अ फैक्ट, ठीक है ना? उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है, तो सीएम बीइंग ए सीएम उन्होंने जवाब दिया है। आप भी खट्टर साहब से पूछिए ना कि अगर उन्होंने अगर वो पानी की आपूर्ति कर रहे हैं तो वो बोले फिर कि हाँ पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। योगेश्वर जी आपके सामने बता रहे हैं, हम बैठे हैं पार्टी की तरफ से, हम बता रहे हैं आपको पानी जितना तय दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, पानी की आपूर्ति नहीं। 21 मई तक जो यथास्थिति है उसको बरकरार रखना है, जो स्टेटस है फिलहाल उसको कायम रखना है, उसके बाद अदालत इस तरह के मामलों में क्या कर सकती है जब बोर्ड खुद से इस मामले का निपटान ना कर पाए? देखो, अदालत फिर सुनवाई करेगी इनकी, फिर आंकड़े जो है अदालत के अंदर पेश करने पड़ेंगे, जो मुझे नहीं लगता अभी केजरीवाल साहब जो है पेश कर पाएंगे,
क्योंकि उनकी तरफ से सिर्फ चिट्ठी चिट्ठी का ही गेम खेला जाना है। कोर्ट में भी केस लड़ा जा रहा है जी, दिल्ली सरकार ही लड़ रही है इस केस को। कोर्ट ने 23 अप्रैल को ये साफ कह दिया था कि आप अपने लेवल के ऊपर दिल्ली जल बोर्ड की ओर से याचिका लगाई गई थी वापस ली जा सकती है मामले में। उसमें कोर्ट ने स्पेशल ये कह दिया था की आप अपने लेवल पे इस मामले को सुलझाएं, कोर्ट में बार बार आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कोई स्टेप्स नहीं उठाए उसके बाद 23 अप्रैल के बाद, बताओ आपने एक भी स्टेप आपने उठाया हो, किसी चीफ सेक्रेटरी से बात करी हो या हरियाणा में आके जो है ना आपने किसी कोई मीटिंग कॉल करी हो, एक भी आपने मीटिंग कॉल नहीं आप की। कोई चीफ सेक्रेटरी से आपने कोऑपरेशन हमें मिल रही है बाकी पार्टियों से और बाकी स्टेट से, ये आप भली बाती जानते हैं। देखिए ब्लेम गेम है पूरी तरह से, आप ब्लेम करते रहेंगे, आप केंद्र की सरकार को ब्लेम करेंगे, आसपास के राज्यों में फिर हरियाणा हरियाणा को करेंगे ब्लेम, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी सरकार है सर। तथ्यों के साथ बात रखिए ना, बिल्कुल मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली की तरफ से पूरी उठाई गई है कई बार ये कदम कि बातचीत हो, लेकिन कॉपरेशन तो देखिए दूसरी पार्टीज ने करनी है ना, हरियाणा की गवर्नमेंट ने भी कॉपरेशन करना है उतना, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट कॉपरेशन करने में नहीं आई है। कब इनिशिएट किया गया और हरियाणा बहुत बार किया गया, बहुत बार किया गया, आप बताइए तो, बहुत बार किया गया, लिखित में भी किया गया, वैसे भी किया गया और कोर्ट में भी किया जा रहा है, बार बार उस मुद्दे को कई बार उस मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं है, आपकी तरफ से कोई रिटर्न उसका सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं है। आज आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि पानी दिया जा रहा है, लेकिन आप बिना तैयारी के रिटर्न डॉक्यूमेंट को मुद्दे की जानकारी नहीं दिया गया, और इन योगेश्वर जी बिना तैयारी के आए हैं, इनको मुद्दे की जानकारी नहीं है, और आप पार्टी के द्वारा सिर्फ राजनीतिक मजबूरियों के चलते ये चिट्ठी लिखी गई है, अदरवाइज हरियाणा की तरफ से पानी जितना तय है उतना दिया जा रहा है। पानी की किल्लत होगी, ये बहुत गंभीर विषय है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, अपने आप ये हो सकता है। 21 मई तक अगर जो स्थिति है उसको बरकरार रखना है, उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्या होगा, क्या पीएम को चिंता नहीं होनी चाहिए इस बात की, जो कि आम आदमी पार्टी को लगता है? ज्योति जी, मैं पंचकूला से आता हूँ, पंचकूला में पानी पीने का जो है हमारे ट्यूबवेल से सप्लाई होता है जी। हर साल 3 से 4 फुट पानी का लेवल नीचे जा रहा था, अब उसको रोकने के लिए भाखड़ा मेन लाइन से पानी की व्यवस्था, कजोली हट वाक से पानी की व्यवस्था की पंचकूला के लिए, कौशल्या डैम से पंचकूला में पानी लाया गया, तो ये व्यवस्थाएं तो अपनी अपनी क्रिएट करनी पड़ेंगी। पानी की दिक्कत हर जगह है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, अगर सिटी वाइज आ जाए तो वहां भी है, तो हर एक स्टेट को हर शहर को अपनी अपनी पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो इनको भी उसी नाते दिल्ली की जिम्मेवारी इनके पास है तो इनको करनी पड़ेगी। देखिए सर, अब जितना की जिम्मेदारी इनके पास है, क्या यही कारण है कि आप साथ भी तो हम तो जितना चाहे पानी दे रहे हैं, आप चाहते हैं हम अपना पानी को ज्यादा करें, तो जो तय पानी है, मैंने जैसे पहले आंकड़े दिए, जितना तय है उससे 300 से 500 क्यूसिक पानी हम उस तय आंकड़े से भी ज्यादा दे रहे हैं, बाकी व्यवस्था तो इनको अपनी करनी पड़ेगी। पानी किल्लत है, पर हम अपनी, मैंने जैसे बताया हरियाणा ने टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, हालांकि किल्लत थी, पंचकूला की मैंने एग्जांपल दी, हम अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, तो इस तरह दिल्ली को भी अपने कदम उठाने पड़ेंगे ना। तो आपको भी आ रहे हैं ना, डैम हम पानी के जहां से रिसोर्सेज आ रहे हैं वहां बनाए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में तो डैम बनने की प्रोविजंस भी नहीं है ऐसा योगेश्वर जी, हम दिल्ली में भी डैम बना सकते हैं, पानी की किल्लत है, आप उसके लिए अलग से बात करिए, पर ये इल्जाम लगाना भी हरियाणा पानी नहीं दे रहा, ये आपका बिल्कुल गलत है, हरियाणा से ही मिलना है, तो वी विल आस्क इट फ्रॉम हरियाणा एंड आप उसके लिए, वो बीजेपी की गवर्नमेंट जहां है वहां से पानी की हमें आपूर्ति कराई जाए, जो पानी की किल्लत तो दिल्ली को भी उतनी भोगनी पड़ेगी। आप आपूर्ति की बात करिए ना, आप ये ना ना कहिए हरियाणा पानी नहीं दे रहा, आप आपूर्ति की बात करिए, हमारे पास पानी की कमी, हमें पानी और चाहिए। क्या ये कोरी राजनीति है फिर? स्पष्ट दिख रहा है, यदि आपके पास में हमारे पास में कोई डाटा नहीं है इस बात को साबित करने के लिए कि समस्या कहाँ पर है, यदि मैं कह रहा हूँ, यदि सरकार आपकी तरह पास में आधिकारिक रूप से कह रही है कि आपका जो शेयर है हमारे उसके हिसाब से इतना बनता है, इतना हम दे रहे हैं, इससे ज्यादा दे रहे हैं, ये भी मुझे भी जानकारी है निजी तौर पर कि हरियाणा हमेशा से दिल्ली को अपने हिस्से से ज्यादा पानी देता आ रहा है, बेशक से हरियाणा को पानी उतना नहीं मिलता, ये भी बिल्कुल एक सच्चाई है, और लेकिन उसके बावजूद भी यदि इस प्रकार से जो है एक बात आरोप लगा करके इस बात को बढ़ाने की कोशिश, आरोप नहीं लगाया गया है करके दिल्ली के लोगों के अंदर अपनी इमेज चमकाने का, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, उस बात में हरियाणा के रहने वाले केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा हरियाणा के अंदर कि आप हरियाणा का पानी क्यों दिल्ली के अंदर जबरदस्ती करने देते हैं। मुझे देखिए, हरियाणा पानी उत्तर देना पड़ेगा, पानी हिंदुस्तान का है ना कि पंजाब हरियाणा और दिल्ली का, तो है सवाल भी है कि पंजाब जब हरियाणा को पानी देगा, इस बात पर जब बहस होती है तो केजरीवाल पंजाब चुनाव से पहले, हालांकि बाद में स्टैंड बदल गए थे, वो स्टैंड यही था मैम कि अगर पंजाब को जितनी जरूरत है पानी नहीं है तो वो भी तो हमें पैदा करने पड़ेंगे, राजधानी दिल्ली को अतिरिक्त पानी की जरूरत है तो भी हरियाणा दे दे,
तो हरियाणा की जनता और हरियाणा सरकार कहां से इतना पानी लाएगी? पंजाब के पानी, पंजाब के साथ जो विवाद है उसको लेकर भी एंटी हरियाणा स्टैंड होगा फिर आप लोगों का? बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा को भी जितना पानी चाहिए, एसवाईएल का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसको लागू होना चाहिए, तुरंत लागू होना चाहिए। और अगर पंजाब में भी कमी है पानी की, तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज पैदा करने चाहिए। जो पानी पाकिस्तान जा रहा है उसको रोक के हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा। और ये दिस इज द ड्यूटी ऑफ द हेड ऑफ द कंट्री, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है कि वो ये रिसोर्सेज को डाइवर्ट करा जाए। जो हमारे पास ये तो है नहीं, है अलग इशू नहीं है। देखिए अगर पंजाब को पानी मिलेगा तो हरियाणा को मिलेगा, हरियाणा को मिलेगा तो दिल्ली को भी मिलेगा। वो आपके आरोपों से मेल नहीं खाती सर। आरोप की बात फेरिस्त दे देंगे, लंबी फेरिस्त दे देंगे, लेकिन क्या ये बात साबित हो जाएगी कि हरियाणा पानी में कटौती कर रहा है? मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर हमने चिट्ठी लिखी है तो इट मींस देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन दिल्ली। और अगर चिट्ठी में सिर्फ किसी को ब्लेम भी नहीं किया गया, इट्स ए नॉर्मल वो कि आप इस आपूर्ति को ब्लेम किया गया है कि 1996 से लगातार ऑब्वियसली लगातार आ रहा है, फिलहाल पानी रोका गया है। हाँ, तो रोका गया है तभी हुआ है ना, पानी रोका गया है, ठीक है ना, पानी रोका गया है। उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैन बी प्रोवाइडेड, ठीक है ना, वो आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिए जाएंगे दिल्ली की गवर्नमेंट की तरफ से। और पानी रोका गया है, पानी की आपूर्ति पूरी नहीं हुई है, ये मैंने अभी अभी फोन पे बातचीत करके आते टाइम ही ये पूछा गया कि पानी पूरा आ रहा है। उन्होंने कहा नहीं, अब कम आ रहा है। हाँ। पिछले 4-5-6 महीने से पानी की आपूर्ति कम हो रही है। ठीक है, कुटला साहब आपसे जानेंगे हरियाणा सरकार की ओर से क्या पक्ष जो के पेश किया गया था अदालत में। अदालत में दोनों चीफ सेक्रेटरी, जिस दिन ये हियरिंग थी 23 अप्रैल को, दोनों चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के भी और हरियाणा के भी वहां प्रेजेंट थे। और इनको ये डायरेक्शन दी गई थी कि भी दोनों चीफ सेक्रेटरी प्लस जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, ये बैठ के मीटिंग करेंगे और इस पानी का सोल्यूशन जो है ना अपने लेवल पे निकालेंगे। लेकिन एक भी कभी की, हाँ, पानी एक, की एक बार भी इन्होंने ये लेटर नहीं लिखा कि भी आप मीटिंग फिक्स कीजिए, हम मिलना चाहते हैं। एक भी डॉक्यूमेंट ये दिखा दें या एक भी ऐसा डाटा दिखा दें जिसमें ये इन्होंने ये कहा हो कि वी आर रेडी, बातचीत करेंगे, समाधान निकालेंगे बातचीत के जरिए। ये सिर्फ 21 मई की बात इंतजार कर रहे हैं, चर्चा को जारी भी रखेंगे और ब्रेक के बाद कई सवाल जिनके जवाब लेंगे। तो हरियाणा और दिल्ली के बीच जो जल विवाद है, दिल्ली के साथ ही और जो हरियाणा की जो राय है, फिलहाल जो बातें कही गई हैं, जो पक्ष हैं, उसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। शर्मा जी आपसे ये जानेंगे, जब आपके सीएसए कहते हैं अदालत में कि बोर्ड के साथ बातचीत की जाएगी, हरियाणा भी पहुंचेगा, बातचीत की जाएगी, बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा, क्या अब चिट्ठियां भेजकर ये साबित किया जा रहा है कि हमने संघर्ष किया 21 मई तक, कोशिशें की हमने? देखिए, एक तरफ से तो आप कहते हो कि चिट्ठियां लिखी नहीं, क्यों नहीं लिखी? चिट्ठी जब लिखी जाती है तो उसका जवाब भी नहीं देना जरूरी समझते, ठीक है? तो चिट्ठी लिखने के बाद कहते हैं कि चिट्ठी का विवाद, मतलब चिट्ठी पे भी विवाद है। मतलब ये बड़ी हैरानी की बात है, जब हमें पानी की सप्लाई नहीं हो रही, ठीक है, वजीराबाद रिजर्वर में नहीं हो रही है, 450 की कमिटमेंट थी ट्रीटी में, 330 की जा रही है डेली की, जो कि क्यूसिक वाटर की, जो कि कम है, और उससे पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मतलब दिस इज अ स्ट्रेंज थिंग कि अगर चिट्ठी लिखो तो भी प्रॉब्लम, ना लिखो तो भी प्रॉब्लम, ठीक है ना? अगर बोर्ड के साथ बातचीत करनी, बोर्ड के साथ बातचीत करने के बाद ही तो ये ट्रीटी हुई थी। एक आप बिल्कुल स्पष्ट, मैं आपको बता दूं, जो हमारा हरियाणा का और पंजाब का भी एक विवाद है, उसी प्रकार से ये जिस विवाद को हम आगे लेकर के चलते हैं, केवल ये कमिट करने से कि इतना पानी हमें मिलना चाहिए या लिखित में दे दिया, ये आवश्यक नहीं है मिलेगा। हमें पहले ये दिखाना पड़ेगा कि यमुना के अंदर इतना पानी आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, फिर हमें दिखाना पड़ेगा उसमें से इतनी परसेंटेज हरियाणा को जा रही है, दूसरी बात, और उसमें से इतनी परसेंटेज हमें जानी चाहिए। इन्हें पहले तो ये इस बात को स्पष्ट करें कि क्या यमुना में इतना सफिशियंट पानी आ भी रहा है कि हरियाणा और दिल्ली की दोनों की आपूर्ति कर पाए। यदि यमुना के अंदर ही पानी नहीं आ रहा, जो कि हमको पता है कि ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि हर साल के साथ में यमुना के अंदर पानी लगातार घट रहा है, जो वो नेचुरल रीजंस है, जब घट रहा है तो सप्लाई भी घटेगी। अब ये चाहते हैं कि हरियाणा अपना गला घोट करके दिल्ली को पानी दे दे, हमारे लिए भी सफल हिसाब से आपूर्ति की जाए और एक जो तय आंकड़ा है उसके हिसाब से और पानी कितना उपलब्ध है उसके आधार पर आपूर्ति की जाए, बड़ा अंतर है। बिल्कुल अंतर है। अनिल मोर के हमारे संवाददाता दिल्ली से ऑनलाइन पर जुड़े हैं, रुकी एक बार के लिए जानकारी लेंगे इस खबर पर पूरी। अनिल, दिल्ली सरकार ये कहती है कि पानी में कटौती की गई है, अब हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता है हमारे साथ, उनका कहना है कि कटौती नहीं की गई, क्या दिल्ली की ओर से सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र लिखा है, कल दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा, हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, पूरा केजरीवाल की तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, केजरीवाल की तरफ से इस बात पर फोकस किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 21 मई तक हरियाणा की तरफ से जो दिल्ली को पानी दिया जाता है वो पानी इसी तरह बदस्तूर जारी रखा जाए, और 21 मई के बाद जो अपर यमुना रिवर बोर्ड है वो फैसला करे कि दिल्ली और हरियाणा में पानी की सप्लाई किस तरह से रहनी है। यानी केजरीवाल को पता है, केजरीवाल ने पत्र में यही लिखा कि
21 मई के बाद हरियाणा की तरफ से दिल्ली जो पानी दिया जाएगा उस पानी में कटौती की जा सकती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने पहले की यहाँ पे अपनी ताल हम कह सकते हैं, क्योंकि कल उपराज्यपाल को पत्र लिखा, आज प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और पत्र के जरिए कहना की मांग की है कि हरियाणा को निर्देश दिया जाए कि हरियाणा दिल्ली पूरा पानी दे। साथ ही जो पत्र में जिक्र किया गया जो चंद्रावल प्लांट का जो जिक्र किया गया, चंद्रावल के जरिए जो पानी नई दिल्ली में जाता है, लुटियन जोन में जाता है और जहाँ पे प्रधानमंत्री आवास है, राष्ट्रपति भवन है, सभी सांसदों की बड़े नेताओं की कोठियां हैं, उस इलाकों में कहीं ना कहीं पानी की किल्लत पैदा होगी, चाहे हम हॉस्पिटल की बात करें, इसके अलावा सरकारी जितने भी भवन है वहाँ पे पानी की किल्लत पैदा होगी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल एक आश्वासन केंद्र से लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर दिल्ली में पानी की कटौती हुई तो जो वहाँ के विपक्षी दल है, कांग्रेस है, बीजेपी है, फिर अरविंद केजरीवाल को टारगेट करेंगे, निशाना साधेंगे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल पहले ही गेंद केंद्र के पाले में डालना चाहते हैं कि अगर दिल्ली में पानी की कटौती होती है तो उसके दोषी होगा केंद्र सरकार होगी, ना कि केजरीवाल सरकार होगी। क्योंकि अनिल, हरियाणा बीजेपी का पक्ष ये है कि पानी की कटौती तो की ही नहीं गई, अब गर्मी है तो पानी की किल्लत है, जो पानी दिया जा रहा था उसमें कटौती नहीं की गई हरियाणा की ओर से। देखिए बिल्कुल, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछले दिनों एक निर्देश दिए गए थे कि जो दिल्ली को जितना पानी दिया जाता है उसमें 101 क्यूसिक अतिरिक्त पानी और दिया जाए, हरियाणा उस पानी को दे दिया, तो हरियाणा की तरफ से ये भी सुप्रीम कोर्ट में आश्वस्त किया गया कि हरियाणा पूरा पानी देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 21 मई तक जो पानी दिया जा रहा है बस्तूर जारी रखा जाए, लेकिन संभावना यह है कि 21 मई के बाद क्या दिल्ली को पूरा पानी दिया जाएगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में हरियाणा में भी पानी की किल्लत पैदा हो जाती है, जो हरियाणा को हमारे साथ सवाल करेंगे आपसे। कृष्णमूर्ति हुड्डा है हमारे साथ, हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़े हैं। हुड्डा साहब बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा और दिल्ली के बीच जो जल विवाद है उसको लेकर दिल्ली के सीएम ने पीएम को खत लिखा है, एलजी को चिट्ठी लिखी गई, हरियाणा के सीएम को भी चिट्ठी लिखी गई है कि पानी में कटौती ना की जाए 21 मई के बाद भी, उसमें हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए पानी में तो कटौती नहीं करनी चाहिए जी, लेकिन अगर पीछे से पानी कम हो गया होगा तो स्वाभाविक है कटौती हो सकती है। अगर पीछे से पानी पूरा आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां दिल्ली में भी हमारे भाई हैं, हमें उनको पूरा पानी देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे पास पूरा पानी है, अगर पीछे से पूरा पानी मिल रहा है, और पानी की तो समस्या है, वो एसवाईएल का मामला भी लटका हुआ है, अगर आज हमें एसवाईएल का पानी मिल जाए तो हमें कोई किसी तरह की भी प्रॉब्लम ना हो, हम दिल्ली को भी खूब पानी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा साहब, केजरीवाल के आरोप ये है कि पिछले 22 सालों में पहला ये मौका है जब पानी आपूर्ति को रोका गया है, तो हरियाणा की बीजेपी सरकार पर आरोप है, इस आरोप को लेकर क्या कहेंगे? मुझसे पूछ रहे आपसे हुड्डा साहब, देखिए पानी को नहीं रोकना चाहिए, दिल्ली में भी हमारे भाई हैं, अगर हमारे पास पर्याप्त पानी है जी तो इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं, हरियाणा के पास कहाँ पर्याप्त पानी है इसकी जानकारी आपको भी होगी? अगर मुझे नहीं पता उसके बारे में, वो तो विभाग बताएगा क्या पोजीशन है, क्या बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे, क्योंकि सरकार उनकी है, जिसकी सरकार होगी वही लोग बता सकेंगे। ठीक है, विपक्ष ढोल साहब, विपक्ष को इस बात की जानकारी होगी नहीं कि हरियाणा में पानी की कितनी कमी है, हरियाणा के किसानों को पानी की कितनी किल्लत है, कितनी दिक्कत परेशानी पेश आ रही है। देखिए विपक्ष को जानकारी हो, फैक्ट हो सकता है कि फैक्ट हमारे पास में ना हो, लेकिन फैक्ट के अलावा एक एस्टेब्लिश सिचुएशन, एक हमारे पास में तय मापदंड है कि हरियाणा में पानी की किल्लत है, ये प्रथम बात सबसे पहली बात है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। यही कारण है कि हमें कहीं ब्लैक जोन डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं, तो कहीं पर आपको आपूर्ति रोकनी पड़ रही है, कहीं आप बैन लगा देते हैं कि आप गाड़ियां नहीं, बड़े शहरों में गाड़ियां नहीं धोएंगे, इतने समय तक नहीं धोएंगे, इतने घंटे तक ही पानी आएगा, इसके बाद नहीं आएगा, इस प्रकार के बड़े सारे मेजर क्यों आते हैं? क्योंकि पानी की किल्लत है, और ये किल्लत केवल हरियाणा की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की किल्लत है। लेकिन समस्या जहां पर आती है, हम आपूर्ति तभी कर सकते हैं जब हमारे पास में पानी होगा, और हमें पहले जो है, जो केजरीवाल जी को जो खाता है, इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये है कि आप पहले इस बात के आंकड़े लीजिए कि हरियाणा के अंदर कितना पानी है, दूसरा हरियाणा के अंदर से पानी आपको कितना शहर जाना था, यदि यहाँ पर एक पानी कम आ रहा है तो नेचुरल सी बात आगे कम जाएगा, इसमें कोई दोराय होनी ही नहीं चाहिए, तो हम अपना पेट काट करके थोड़ी ना दे पाएंगे इनको पानी। ठीक है, आएंगे सिंगल साहब। अनिल मूर, आगे क्या उम्मीद की जाए? अभी पीएम को खत लिखा गया है कि दखल दें इस मामले में, चूंकि राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ा ये मामला है। मांग तो यही की है कि प्रधानमंत्री इस मामले में दखल दे, कल उपराज्यपाल को पत्र लिखा था, उपराज्यपाल से भी मांग की कि वो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से इस मामले में बातचीत करें, लेकिन 21 मई तक दिल्ली को इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हरियाणा को मानने होंगे, ये बिल्कुल सर्वविदित बात है। देखना ये होगा कि 21 मई के बाद दिल्ली को जो पानी दिया जाता है उसमें कितनी कटौती होगी, क्योंकि गर्मी उस वक्त अपने पीक पे होगी। जैसे जैसे जितनी गर्मी होगी उतनी हरियाणा में भी पानी की किल्लत होगी, हरियाणा को भी अपना जो अपने लोगों को पानी प्रोवाइड कराना, किसानों को पानी देना। तो ऐसे में अगर दिल्ली में पानी कम होगा तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से निशाना सीधा केंद्र के ऊपर साधा जाएगा और कहा जाएगा कि हमने तो पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया था, उपराज्यपाल को पत्र लिख दिया था और पानी की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है दिल्ली को पानी दिलवाना। अब देखना ही होगा आने वाले दिनों में जो पानी को लेकर राजनीति किस तरह से होगी। अगर हरियाणा में पानी नहीं होगा तो दिल्ली में पानी की कटौती करनी पड़ेगी, लाजमी सी बात है। तो ऐसे में फिर एसवाईएल का मुद्दा भी उठेगा, कई तरह के मुद्दे उठेंगे। जी अनिल, बहुत शुक्रिया आपका इस सारी जानकारी देने के लिए। हुड्डा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सिंगल साहब, देखिए बीजेपी पर सवाल तो उठेंगे कि वैकल्पिक जो रास्ते हो सकते थे, क्या हरियाणा चुनेगा, क्या केंद्र मदद करेगा हरियाणा के उसमें? ज्योति जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक और फैक्ट आपके ध्यान में लाऊं। 27/11/2014 को भी माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक राधप नगर जगह के ऊपर जो कैरियर लाइन है उसमें से इलीगल पानी की अपलिफ्टिंग की जा रही थी, उस समय कोर्ट के आदेश के मुताबिक 3 दिन के अंदर दिल्ली के सरकार ने उस होल को प्लग किया था। अब 16/5/17 पिछले साल ही अपर यमुना रेल बोर्ड की रिपोर्ट है फिजिकली, ये बवाना, ओखला और तीसरी जगह है, तीनों जगह के ऊपर द्वारका इलीगल पानी की लिफ्टिंग फिर दोबारा से की जा रही है, जिसके चलते वजीराबाद पॉन्ड का जो लेवल का पॉन्ड का लेवल है वो प्रभावित हो रहा है। इनको बार बार ये दिल्ली हरियाणा सरकार ने जल बोर्ड दिल्ली से और अपर यमुना रिवर बेड बोर्ड से भी बार बार इस बात की गुहार लगाई है कि इलीगल अपलिफ्टिंग बंद की जाए ताकि इनके वजीराबाद और जो पुराने दूसरे नंगलोई वाले जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है प्रॉपर तरीके से चल सकें। पर हरियाणा अपना जो तय पानी है दे रहा है, हालांकि इनकी इलीगल अपलिफ्टिंग के चलते माननीय कोर्ट के जो आदेश हैं उनकी वायलेशन है वो निरस्त हो जाते हैं, पर हरियाणा फिर भी दिल्ली में अपना भाई मानता हुआ जो पानी तय है उससे पानी ज़्यादा 300 से 500 क्यूसेक पानी लगातार ज़्यादा देता आ रहा है। पानी की किल्लत सब जगह है, उसका समाधान बैठ के करना चाहिए, इस तरह से बेबुनियाद आरोप और कोरी राजनीति नहीं करनी चाहिए। बैठने को भी तैयार हैं जी हम, आप आइए तो सही, एक मिनट पे आप बैठिए तो सही। आपके सीएम हरियाणा सीएम को बैठे मिले बात करें, अगर कोई पानी का व्यवस्था बन सकेगी तो पहले भी बात करी गई थी और प्रयास रहेगा कि दिल्ली की मदद चाहते हैं कि हम आप इस टेबल पे आए और इस प्रोडक्टिव इस तरह से कोरे निकाल के उसको किया जाए। बेबुनियाद आरोप लगाना आरोप हरियाणा पानी नहीं दे रहा है आरोप हरियाणा बिल्कुल गलत है। तर्क है ये बातचीत करने का भी, हालांकि मुख्यमंत्री मुख है कि एलजी को एसएमएस किया गया वो रिप्लाई नहीं करते, वो ये बात कहते हैं चिट्ठी लिखी गई उसका जवाब नहीं आया, अगले ही दिन पीएम को पत्र लिख दिया जाता है कि आप दखल दीजिए। क्या 21 मई के बाद जो दिक्कत परेशानी पेश आएगी उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी, ये मंशा है फिर? बिल्कुल जी, बीजेपी जिम्मेवार होगी। जब बीजेपी की ही जिम्मेवारी है दिल्ली में पानी सप्लाई की, तो ऑब्वियसली उसको फिर दिल्ली गवर्नमेंट को क्यों टारगेट किया जाएगा ना उसको, जब सेंटर की जिम्मेवारी है कि पानी की आपूर्ति पूरी की जाए तो इट इज द सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर कल को दिल्ली की गवर्नमेंट को और आम आदमी पार्टी को ना वो करें ना टारगेट करें कि पानी नहीं सप्लाई हो रहा। लोकल के द्वारा नदियों को जोड़ने का प्रोग्राम चल रहा है, वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, पर फिर भी चाहे प्रदेश की सरकारें हैं चाहे अपने अपने शहर हैं, दिक्कत हर जगह है, अपने अपने व्यवस्था अपने लेवल पे की जा रही है। ये केजरीवाल जी की तरफ से अपनी जिम्मेवारी को टालने के लिए आप लोग नजर नहीं आते। देखिए बड़ा पहलू ये है कि राज्यों के बीच के जो जल विवाद है उनको लेकर केंद्र की सरकार को जितना गंभीर होना चाहिए, रास्ते जो ढूंढे जाने चाहिए थे उनको लेकर इतना गंभीर नजर नहीं आते। ज्योति जी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, पर केंद्र की सरकार के द्वारा जो जल विवाद है राज्यों के बीच उनको सुलझाने के लिए और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको टैप करने के लिए नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम, जगह जगह डैम बनाए जा रहे हैं, जगह जगह डैम जगह अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारी शिष्टमंडल गडकरी जी से मुलाकात की है, उनको ये कहा है एसवाईएल की एक्सपीडाइट करवाया जाए, जब तक एसवाईएल नहीं बनती तब हांसी बुटाना नहर के माध्यम से पंजाब से पानी दिलवाया जाए। गडकरी जी ने इसके लिए आश्वासन दिया, हरियाणा की जनता की जो जरूरत है पूरी की जाएगी, हरियाणा सरकार के द्वारा जो बनते प्रयास हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार भी पानी का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम कैसे मैक्सिमम टैप कर सकें उसके लिए काम कर रही है, पर तब तक चाहे कोई प्रदेश की सरकार है चाहे कोई केंद्र की सरकार है, जहां जहां दिक्कत सारे भारत में है पानी की, इसमें कोई इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, जितना पानी चाहिए उतना पानी नहीं है, पर हमें अपनी अपनी व्यवस्थाएं अपने आप बनानी पड़ेंगी। इस तरह
दोषारोपण करके बेबुनियाद दूसरों के ऊपर बात डाल दोषारोपण नहीं किया जा रहा, अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो आने वाली समस्या है उससे अवगत कराया जा रहा है देश के प्रधान को, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिक्र किया पानी की समस्या है उसको उनको बताया जा रहा है कि निर्देश दिए गए गाड़ी को पानी से धोता हुआ पानी के बाद अगर पानी रोक दिया गया तो छोटे छोटे काम है जिससे पानी बचाया जा रहा है, इसके लिए इनको प्रयास करने पड़ेंगे। दिल्ली की दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी जब पानी से जूझ रही होगी तो पूरे वर्ल्ड में उसकी थूथू होगी, इसलिए उनको अवगत कराया गया कि वो प्रॉब्लम ना हो, कि केंद्र को गंभीर होना होगा। राष्ट्रीय राजधानी का विषय है जिसमें एसवाईएल मुद्दा की बात कर ली, संसद भवन की बात कर ली, दूतावास की बात कर ली, बाकी संस्थानों की बात कर ली, तो समाधान तो ढूंढना ही होगा। फिर निश्चित रूप से होना पड़ेगा, केंद्र की जिम्मेदारी है। केंद्र नहीं करता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 262 में ये अधिकार हासिल है कि इंटर जो स्टेट है डिस्प्यूट्स उनके ऊपर वो एडजुडिकेट कर सके। लेकिन प्रथम जिम्मेदारी, क्योंकि भारत गणराज्य है और केंद्र की सरकार है, यूनियन ऑफ इंडिया को दोनों केंद्र के बीच में, दो आपके दो स्टेट्स के बीच में, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करवाना पड़ेगा हर हालत में। ये उनकी कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से ना तो वो भाग सकते हैं और ना ही कोई और। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मीडिएट करने के लिए मुझे तो नहीं लगता कि हरियाणा और दिल्ली के बीच में भी केंद्र आएगा या फिर पंजाब और हरियाणा के बीच के अंदर भी केंद्र आ रहा है। केंद्र को आना पड़ेगा, केंद्र यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ आएगा बताइए। एसवाईएल का मुद्दा क्लियर इंडिकेट करता है कि केंद्र चाहता ही नहीं वो मुद्दा सुलझे। बीजेपी की सरकार पंजाब में भी थी और हरियाणा में भी 3 साल रही, लेकिन उस मुद्दे पे कोई फैसला नहीं लिया गया, एसवाईएल पे काम ही नहीं हुआ। अभी जो बहस का मुद्दा था उससे हम भटक के दूसरी तरफ जा रहे हैं। दिस इज द ये मुद्दा बस पुराना है। हरियाणा की जनता परेशान है, पंजाब की जनता परेशान है। ज्योति जी देखिए जिम्मेदारी तो माननी पड़ेगी ना, केजरीवाल जी ने पत्र पीएम साहब को लिखा है हरियाणा ने पानी देना बंद कर दिया। हाँ। तो क्या ये बहस देना बंद कर दिया है, कम आ रहा है और आगे योगेश्वर जी बैठे के बाद आपूर्ति हरियाणा ने पानी देना बंद कर दिया, कम कर दिया है। ये आपूर्ति बेबुनियाद है, बाकी पानी की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। केंद्र और प्रदेश ने इस बात से की कि चिट्ठी लिखी गई, लेकिन 21 मई के बाद जो परेशानी आएगी दिल्ली में क्या उसे नजरअंदाज कर दिया जाए? नहीं, हरियाणा की बात नहीं, हरियाणा कहां मना कर रहा है? जो पानी हरियाणा दिल्ली को दे रहा है वो आगे भी देता रहेगा। सिंघल साहब, केंद्र की बीजेपी सरकार की भी बात है, जब दो राज्यों के बीच में या फिर दिल्ली और दूसरे राज्य के बीच में विवाद होगा तो उसके बीच में दखल देगा या नहीं केंद्र? ज्योति जी बिल्कुल दखल देगा, दखल दे भी रहा है, बातचीत चल भी रहे हैं, पर ये विवाद जो अगर है दखल दे रहे होते तो एसवाईएल का मुद्दा सुलझ गया होता। पंजाब के पास पर्याप्त पानी होता, हरियाणा के पास पर्याप्त पानी होता, ऐसा है योगेश्वर जी आपने जानकारी, हरियाणा के पास पर्याप्त पानी होता तो दिल्ली को पर्याप्त पानी मिल रहा होता। एसवाईएल के मुद्दे पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए प्रेसिडेंट के सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पड़ा रहा है, ये हरियाणा बीजेपी की सरकार थी जिसने एफर्ट करके उसको प्रेसिडेंट लेकिन कहां लागू किया गया? 4-5 साल हो गए, जानकारी नहीं है, नवंबर 2016 में नहीं जानकारी है, जब राजनीति खेलते आए हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की राजनीति करते आए हैं, इस मुद्दे को सॉल्व नहीं किया गया। नहीं, एसवाईएल को आप चाहते सॉल्व करना, आप सिर्फ एक दूसरे पे उंगली उठाना चाहते हैं, आरोप लगाने आते हैं, आरोप हम नहीं लगा रहे, आप प्रूफ करके दिखाइए ना कि आपने एसवाईएल को क्या सॉल्व बात करते हो, इसके आपने एसवाईएल सॉल्व कर दिया होता तो ये मुद्दा रखा नहीं होगा। आप हमें चीज बिल्कुल भी गलत बात है, ये बात जनता को मालूम है। राजनीति आप खेलते आए हैं। देखिए मैं आपको केंद्र की जिम्मेदारी का बता दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल मुद्दे पर जो है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आने के बाद दिसंबर 2016 के अंदर ऑर्डर पास करके कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि बार बार केंद्र को ये कहने के बाद कि आप इसके अंदर एफिडेविट फाइल कीजिए कि आपका क्या स्टैंड है, केंद्र ने आज तक अपना स्टैंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा ऑर्डर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप ये बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। आखिरी कमेंट आपका इस विषय को लेकर कि आगे क्या संभावनाएं हैं इसमें? संभावना में इसमें बैठ के मिल बात बैठ के जो है ना सुझाव रखे जाएंगे, जो इनके चीफ सेक्रेटरीज हैं और जो दिल्ली जल बोर्ड है और आपके हरियाणा के बीबीएमबी और भाखड़ा आपके जो मैनेजमेंट बोर्ड है इनके सेक्रेटरीज बैठ के मिल बैठ के बात करेंगे, इसमें कोर्ट भी क्या सोल्यूशन निकालेगा। बिल्कुल, तमाम विकल्पों को सोचने समझने की जरूरत है, इसमें कोर्ट को पानी थोड़ी पैदा कर देगा।
चलिए शुक्रिया सभी का बातचीत करने के लिए और वक्त देने के लिए। तो विषय यही रहा कि जल विवाद जो है उसमें 21 मई के बाद क्या होगा। चिट्ठियां लिख दी गई हैं लेकिन जवाब उस पर नहीं आया है। राजनीति भी चरम पर है।